अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मेरी बच्ची कितने प्यार से कितने सुकून से सोई है। और सच्ची बोलूँ आपको, ये वो चीज़ ही है जिसमें सुकून मिलता है। और क्या बताऊँ अभी आपको, क्योंकि अब मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि बहुत बोलती है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इसको तो बहुत ज़्यादा, इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा ही इसमें सुकून मिलता है। जहाँ भी रहे ये दोनों इसी पे रहेंगे। और माशाल्लाह, कैसे आपका दिन गुजर रहा है, कैसे आप लोगों की ज़िंदगी चल रही है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो हर पल पता नहीं अल्लाह पाक तब्दीलियाँ लाते ही है, कभी ये तो कभी वो, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर 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 ज़िंदगी में, हर वो चीज़ में, हर वो टाइम में, जैसे भी मेरे अल्लाह जो मुझे वक्त दिखाते हैं, जो मुझे टाइम लाते हैं, जैसे भी मुझे खड़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर अल्लाह वहाँ मुझे खड़ा करते तो वहाँ से निकलने का रास्ता हो या वहाँ पे खड़े रह के जीने की ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा हो, वो अल्लाह पाक उसके पहले ही अता कर देते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, कल बता रही थी आपको पिछले ब्लॉग में कि अमीन भाई मॉल लेके गए थे, तो वहाँ क्या हुआ, और मेरे उसी के साथ सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों गए थे हम मॉल। ये देखो अमीन का ये फ़ोन, एक बार तो मैंने इसको फेंक के मारी थी उसको, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे और उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला तो वो उसका मतलब समझाने लगा मेरे को, रुको अमर ज़रा 2 मिनट रुको, तो मैंने उसको बोली चुप रहे, तो बोला क्या मम्मी मेरी थोड़ी गलती, तो चुप रहे नहीं चुप रहा, तो मैंने उसको ऐसे गुस्से में ऐसे उठा के फेंकी तो चकनाचूर हो गया, ये यहाँ से भी टूटा यहाँ से भी टूटा। लेकिन अमीन वैसे ही इसको यूज़ कर रहा था। अब मुझे, मैंने उसको कितनी मर्तबा बोली कि जा ले ले दूसरा फ़ोन, बोलता नहीं रहने तो जब मैं कमाऊँगा ना तब मैं लूँगा, तो उसकी एक ज़िद है। तो कल इसका कुछ कवर या पता नहीं क्या देखने के लिए, कल मुझे बोला नहीं, देखने लेकर गया था। और उसी के साथ साथ फिर मेरा फ़ोन का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, और वो भी सेम हादसा, और सेम अमीन भाई को ही मैंने मारा है फेंक के वो, क्योंकि मेरा अली कुछ भी नहीं बोलता। आप अगर उसको गुस्सा भी कर लो, कुछ लाफा भी अगर उसको मार दो तो ऐसे करेगा। और अमीन है ना, क्योंकि मेरा लाड़ का लड्डू है ना बचपन से, तो बोलता है, और फिर जब चुप नहीं होगा तो मेरे हाथ में जो चीज़ रहता है मैं वो फेंक के उसको मार देती हूँ। और मेरे मोस्टली मेरे जो फ़ोन वाला है वो भी मेरा वीडियो देखता है, वो मुझे बोलता है जब मैं जाती हूँ ना फ़ोन चेंज करने, किसको तोड़ा डॉन, वो मुझे डॉन बोलता है ऐसे प्यार से, मतलब किसको तोड़ा डॉन, तो मेरी समझ जा, बोले ये, क्योंकि वो मैं उसको बड़ा बेटा बोलती हूँ, तो बोले ये छोटा वाला ही किया होगा कुछ ना कुछ, मेरा भाई ऐसा ही है ना, ऐसे बोल के मस्ती करता है। तो मेरा भी फ़ोन आपको एक झलक दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा फ़ोन, देखा आपने, ये मेरा फ़ोन है, और ये भी अमीन भाई के ऊपर ही टूटा है, और सारे जो महंगे खर्चे होते हैं ना वो अमीन भाई के ऊपर ही होते, तो इसीलिए मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में अपना बिजनेस, अपना काम और अपनी ज़िंदगी को आसमान की बुलंदी पे ले जाने के लिए अपनी ज़िंदगी को मतलब शुरू कर चुका है। और मैं अल्लाह से हर पल दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा जो सोचा है ज़िंदगी में, अल्लाह पाक उसको इतना दे कि वो जैसी उसकी माँ दुनिया में बांट कर खुश होती है, तो अल्लाह पाक उसको ऐसा दे कि उसकी ज़िंदगी में भी वो बांटे और वो इतना ज़्यादा खुश हो कि बस अपनी ज़िंदगी में जैसे कि मैं खुश रहती हूँ, तो अल्लाह उससे भी ऐसे ही हमेशा खुश रखे, और इतना उसको दे, इतना दे कि वो ज़िंदगी में हर हमेशा बांटने वाला बने। चलिए, अमीन तो काम में लगा हुआ है, अब जैसे तैसे कोशिश कर रही हूँ कि अपना ब्लॉग को शूट करूँ, और मैं निकल रही हूँ अपने काम से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है ना, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसे देखकर। और लेकिन देखो, मैं अपना मैचिंग करना, अपने जैसे मैं रहना पसंद करती हूँ वैसा तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ, ये है कि कोशिश कर रही हूँ कि अपने सर को हमेशा ढक कर रखूँ, बस ये कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह पाक इसमें मुझे कामयाब करे। और सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी जो अंदर की रूह है वो बहुत खुश है, चाहे मैं वैसे रहती थी तब भी, क्योंकि तब भी मुझे ये फ़ख्र था या फिर ये गुमान था कि मैं कभी किसी की गीबत नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी की बुराइयाँ नहीं करती हूँ,
या मैं कभी किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि किसी की अगर कोई चीज दिखती है तो ढकने की जरूर कोशिश करती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ आज भी और जब भी खुश रहती थी। लेकिन ये था कि थोड़ी दुनियादारी में रहती तो उस वक्त दुनियादारी में ज्यादा तवज्जो रहता था तो दिल ज्यादा दुखता था, अब ज्यादा ध्यान अल्लाह के चीजों पे रहता है तो इतना दिल नहीं दुखता है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो वही कर रही हूँ, जिंदगी वही चल रही है, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा है मेरी जिंदगी में। और ये खुशी पता आपको, सुकून वाली ठंडक वाली खुशी है ये। देखो जा रही थी तो अमीन आवाज दिया, बोला मैं आपके लिए कुछ ला के रखा, आपने देखा कि नहीं देखा? देखिए मेरी बहुत फेवरेट चॉकलेट है, तो मतलब आपकी फेवरेट चॉकलेट ला के रखा हूँ मैं, और इसमें से गायब है। तो मैंने बोला ये ऐसे कम वाला मिलता है, तो मतलब मैंने खा लिया बड़े प्यार से स्लोली, बता रही तू तो डाइट पे है ना, तो मतलब नहीं खा लिया थोड़ा सा। ये जब छोटे थे बहुत इनको समझ थी कि नहीं थी, लेकिन खाने की इनको चाहत थी, तो इनके डैडी मोस्टली क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट थी तो हमेशा ऐसे है ना डैडी, ऐसे छोटे बड़े और स्क्वायर वाले आते हैं, ऐसे वाले आते हैं, वो सारी हमेशा हमेशा, अगर बाहर से लाए तो अलग बात, और यहाँ से भी आते थे ना घर पे तो स्पेशल मेरे लिए ये जरूर लाते थे, तो इसीलिए को इसीलिए बच्चों को याद है कि मुझे ये चॉकलेट। आपने हमारा भी फेवरेट कर दिए थे। हाँ तो ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, थैंक यू सो मच अमीन। और जाते जाते मीठा खाकर जा रही हूँ और इंशाल्लाह बस अपने काम से निकल रही हूँ, उसी के साथ साथ अभी जहाँ भी मैं जा रही हूँ जिनके लिए जिनसे भी मिलने जाती तो उनके लिए तबरुक वगैरह लेकर ही जा रही हूँ। तो आने के बाद तो मुझे दूसरी जगह मेरे कज़िन लोगों के यहाँ भी जाना है, तो जाने माजे यहाँ निकाल कर रखी हूँ, आने के बाद जाऊँगी उनके घर पर, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है ना उनके पास जाना और उनसे मिलना और उनके पास जो मैं तबरुक लाई, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, जैसे मेरी मामी है, खाला है, बड़े रिश्ते हैं, तो उनका फ़र्ज नहीं होता मुझे मिलने आना, मेरा फ़र्ज है उनके पास जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काम से जा रही हूँ, इंशाल्लाह आने के बाद फिर वहाँ जाऊँगी। फोन हमने किया था इंशाल्लाह, गेट पे आए थे तबरुक लेने, मुझे उनके लेने से ज़्यादा देने में खुशी हुई, क्योंकि जजाक अल्लाह, अल्लाह पाक ने ऐसा एक ज़रिया दिया है कि मैं अनजान लोगों से मिलती हूँ और अनजान लोगों तक मेरे दिल की बात पहुँचती, जजाक अल्लाह। बस उन्होंने इतनी दुआ देकर गई, दुआ के ही तलबगार हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, सिर्फ दुआ ही चाहिए, और ये दुआओं का ही असर है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपकी नज़रों में आपके दिल में मेरी जगह है, तो जजाक अल्लाह। 12 बजे निकली थी घर से, सोची थी कि आ जाऊँगी 2:30 बजे तक, पर थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी बज गए हैं 3:35 और 40 की तरफ काटा जा रहा है। और बस आई, देखो चेहरा भी अभी पोछी नहीं, बस जैसे वजू की और फटाफट मैं पढ़ रही हूँ नमाज, और नमाज पढ़ के फिर मुझे निकलना है, क्योंकि मेरा जो काम है वो आधा घंटे के बाद था, तो मैं बोली आधा घंटा आप खड़े रह के यहाँ वहाँ कॉफ़ी पी के टाइम पास करने से बेटर है कि मैं जाऊँ घर और मेरी नमाज अदा कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई और मैंने एक अच्छी चीज़ भी खरीदी हूँ, आने के बाद अभी नमाज पढ़ के फिर निकलूँगी, फिर आने के बाद आपको बताऊँगी कि मैंने क्या ली हूँ। चलिए माशाल्लाह नमाज भी हो गई और मैंने एक दो चॉकलेट भी खाई, अमीन ने भी एक दो खजूर खाया, और अमीन जोहर पढ़ के माशाल्लाह उसके काम से सब फारिग होके बैठा ही था, तो मैं बोली चलना बेटा अभी जाकर आते हैं साथ में, तो बोला अच्छा चलो, हंस रहा था, अच्छा चलो बोलते हैं। तो अभी हम जा रहे फिर से अपने काम के लिए, और अभी वो जल्दी आने वाली क्योंकि थोड़ा ही काम है, और बेचारे जो भाई को मिलने जा रही है तो वो खास करके मुझे फ़ोन किया कि आप आने वाले हो तो ही मैं आऊँगा, तो मैं बोली नहीं आप आ जाओ भाई मैं आती हूँ, बस ज़्यादा नहीं 15-20 का काम है और आधे घंटे का दूरी पे है, तो मतलब 1-1.5 में इंशाल्लाह मैं आ ही जाऊंगी, तो आके इंशाल्लाह असर तक तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी और आके आपको भी बताऊंगी कि मैंने क्या खरीदी आज। मेरे बेटे को खाना नहीं मिला तो नाखून खा रहा है, तो कभी से उसको देख रही, उसको पता ही नहीं है कि मैं उसको देख रही हूँ, और मेरी आंखों में देखो कितना पानी आ रहा है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात को लेट सोती हूँ, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ना तो पानी आ रहा है, और नींद से भी जैसे लग रही, थकावट से भी नींद होती है ना। और मैंने क्या कहा था कि मैं असर तक आ जाऊंगी इंशाल्लाह, देखो 5:30 बहुत नज़दीक नज़दीक में ही हमारे घर के पास है, 5:30 सॉरी 5:15, तो अभी अमीन भाई को फिर अमीन भाई को अभी जा रहा है कुछ चीज़ देखने, तो अब जा रहे हम विजय सेल और शायद मेरे लिए भी कुछ देख ले, है ना, गरीब बिचारी, गरीब माँ, प्यारी माँ।
प्यारी माँ तो है, प्यारे बच्चों की प्यारी माँ। हम लोग आए थे फोन देखने, ये देखिए विजय सिंह, मैं बताई ना हमारे घर के आसपास ही है ये, तो देख भी लिए और मैंने तो एक सिलेक्ट भी कर ली और ले भी ली, क्योंकि वैसे तो फ़ोन सबके हाथ में है और मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए था तो ले लिया मैंने। अब घर चल के दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा लिया। देखो मैं आई थोड़ा काम करने लगी और ये देखो दुपट्टा मेरा निकाल के यहाँ रखी और बस ये सब थोड़ा सा काम कर रही थी, अपना पर्स में से कुछ निकाल के अमीन को दे रही थी ताकि मुझे सामान लेकर आ। उतनी देर में देखो मैं दुपट्टे पे सो गई, अभी मगरिब की अजान की आवाज़ भी आ गई तो मैंने अभी फिर ये कॉटन का दुपट्टा निकाली, ये दुपट्टा पहन के चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा है इसको उठाने। माशाल्लाह देखो अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, अब मैं यहाँ आके बैठी, दोनों आके यहाँ बैठे और उनको नींद आ गई, पता नहीं ये मेरे पास बैठते तो इनको बड़ी नींद आ जाती है। आप यकीन कीजिए अब नमाज़ पढ़ने जाऊंगी ना वैसे ही आके जा नमाज पे बैठ जाएंगे दोनों। देखो मैं नमाज भी पढ़ के हो गया, सब हो गया, इन लोगों को देखो सुकून की नींद सो रहे, देखो कितने सुकून की नींद सो रहे। और वो दुपट्टे पे आपको दिखाई थी पीनू, उस पे एकदम उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी की गोद में सोई है, तो मैंने उसको उठा ही नहीं। और आपको बोलूं उस टाइम देख के मेरे दिल दिमाग में क्या ख्याल आया, क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि हुजूर पाक जब उनके नमाज पढ़ के बैठते थे तो उनके जुब्बे पे जब बिल्लियाँ सोती थी तो वो कभी उनको उठाते नहीं थे, वो अपना जुब्बे का वो टुकड़ा जो है वो काट के चले जाते थे। और से मैंने सुनी हूँ कि बहुत सारे उनके जुब्बे हैं जो कटे हुए हैं जिसपे बिल्लियाँ सोती थी, कभी वो उठाते नहीं थे। आप यकीन कीजिए जब मेरे दुपट्टे पे पीनू सो रही थी ना तो मेरे दिल में मतलब इतनी खुशी हो रही थी वो देख कर, और मेरा भी दिल नहीं चाहा उसको उठाने का। तो माशाल्लाह ऐसे भी मैं हमेशा सुबह के टाइम इंस्टाग्राम पे मोस्टली आप देखोगे मेरे ये दुपट्टा बाहर ही रहता है और हमेशा मेरे सर पे ये दुपट्टा मॉर्निंग में पहले दिखता था, अभी तो माशाल्लाह जो ड्रेस पहनती हूँ ज़्यादा करके आजकल मैं ड्रेस पे ही सो जाती हूँ, बिकॉज अब 3:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है नमाज और फिर कलाम पाक शुरू करी हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सच्ची में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिस तरीके की ठंडक की खुशी है ना ज़िंदगी में मेरे, अल्लाह हर मोमिन को दे और हर मोमिन को ये तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी टाइम हो वो खुश रहने की कोशिश करे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि अल्लाह के ऊपर जो जिसने अल्लाह के ऊपर यकीदा रख लिया है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये ठंडक उसकी ज़िंदगी में आनी है, और ये यकीदे वाली बात है। और आपको बता रही थी ना कि मैं अपने लिए कुछ ली हूँ, ऐसे तो गई थी अमीन के, जैसे सुबह आपको बताई अमीन का फ़ोन टूटा है मेरे बच्चे का, जब भी फ़ोन टूटता है मेरे वजह से टूटता, क्योंकि मैं नहीं फेंकती उसके ऊपर, और मेरा वाला फ़ोन भी इसके ऊपर ही फेंक कर टूटी, क्योंकि बहुत लाड़ करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ उसको, तो ये जो है ना एकदम दिल खोल के जैसे मेरे जैसा चुप नहीं रहता है, जो भी बात है ना अगर मैं बोल रही हूँ तो वो नहीं कर रहा तो उसको बोलेगा, चाहे डांटी खाएगा चाहे लापा खाएगा लेकिन बोलेगा मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं ऐसे ऐसे उसका चालू नहीं था, मैं गुस्से में फेंक देती हूँ, खैर कोई बात नहीं, और जाता है तभी तो नया आता है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बीच से ध्यान रखूँगी क्योंकि हमें इसका भी हिस्सा बंदा को देना पड़ेगा, अभी कोशिश करूँगी कि अपने गुस्से पे, कि मैं बाहर गुस्सा नहीं करती हूँ मेरे बच्चों को गुस्सा निकाल लेती हूँ, तो वो भी मैं अभी अपने आप पे काबू करूँगी। और मेरे बच्चे को मैंने ज़बान दी कि दुनिया की ज़िंदगी में लोगों से भी मैं बहुत नाप तोल के बातें किया करूँगी, जैसे पहले भी मैं नहीं करती थी लेकिन अभी भी वही करूँगी इंशाअल्लाह। और आज देखिए मेरे जब इसके डैडी थे ना तो वो भी जो मेरी ऐसी नज़र खाली देखती थी तो मेरी नज़र को पहचानते थे, चाहे साड़ी हो चाहे जेवर हो, सिर्फ वो मेरी नज़र को पहचानते थे। इसी तरीके की उन्होंने अपनी औलाद को छोड़ कर दी है, और आपको सबको पूरी दुनिया को पता है कि मेरे हर चीज़ में मेरा अमीन मेरे साथ रहता है, अली बहुत कम रहता है, और माशाल्लाह अली अब बड़ा भी हो गया है, उसको अपनी ज़िंदगी खुद समझने की चीज़ें जो सीख रहा है मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती। तो देखो ये हम देख रहे थे, इसको इतनी ज़्यादा ये रिंग पसंद आई तो मतलब मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, तो जो मैं जहाँ ज्वेलरी लेती ना तो वो भाई तो इतनी तारीफ़ करते ना इसकी, बोले बहन जी उनकी तो बात ही मत पूछो, ये बहुत आसमान की बुलंदी छुएगा, भाई की बहुत दुआ है, वो ऐसे बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के हक में वो दुआ देते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं ये उनकी ज़बान होती है और ये दुआ के तौर पे ही बच्चों को मिली जाती है। माशाल्लाह कैसी लग रही है, रोज़ गोल्ड की डायमंड वाली रिंग अच्छी लग रही है। और दूसरी जैसे कि मेरे को फ़ोन की तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मेरे पास दो फ़ोन है,
तो एक सैमसंग का फोन जो अभी रिलीज नहीं हुआ है तो मुझे वो लेंगी बुकिंग में, क्योंकि मेरा सैमसंग के हमेशा प्रीमियम बुकिंग में रहता है। और ये वीवो, ये अभी आई थिंक कुछ एक हफ्ता हुआ है इसको लॉन्च होते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा ये फोन, ऐसे मुझे कुछ जरूरत की चीज नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा ये फोन तो मैंने ले लिया। अब पड़ा है तो कोई ना कोई यूज करेंगे, तो ये आज की मेरी शॉपिंग, ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने लिया, ये मेरे बेटे को अच्छा लगा, मेरे बेटे का दिल की खुशी के लिए मैंने लिया। लेकिन ये कहते हैं ना हमारे फ्यूचर की पूंजी है, जब हमारा सब साथ छोड़ देंगे ना, ये कभी साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि बुरे वक्त में हो या आपका पेट में भूख हो, अगर आपके पास ये है तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते और आप कभी मोहताज नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर आपके पास कभी भी, औरतें तो हमेशा छुपा के तो जरूर रखती है अपने मर्दों से हो या अपने बच्चों से हो, थोड़ी तो पैसे छुपाते जरूर है, तो इंशाल्लाह थोड़ी नहीं तो थोड़ी अपनी सेविंग में से कुछ ना कुछ छोटी चीजें लीजिए, क्योंकि वक्त चला जाता है, इंसान साथ छोड़ के चला जाता है, जब बुरा वक्त आता है तो ये सब चीजें जो हमारा साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मुझे देख के काफी लोग मुझे जब मिलते हैं नीचे तो हाथ चूमते हैं, बोसा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दुनिया में ऐसी जिंदगी में सबको इज्जत दे, प्यार दे। और जैसी मुसीबतों की पहाड़ मुझ पर टूटे थे, अल्लाह किसी के ऊपर नहीं तोड़े वो मुसीबतों के पहाड़, और अल्लाह पाक जो सच है वो कभी ना कभी तो दिखाते ही है, और मेरे लिए तो अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी दिखाया, क्योंकि ये 4 साल का 5 साल का जो अरसा था ये मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटा था। वो किसी किसी की तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, मेरी तो छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने सब कुछ वो कर दिए जो मैं सिर्फ ख्यालों में सोचती थी, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। बस यही दिल की बातें थी, यही मेरी शॉपिंग थी, यही मेरे अक्का दिन का शेड्यूल था, तो अच्छा लगता है मुझे आपके साथ बातें करके। तो बस आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए, और ज़िंदगी में अगर कोई भी आपकी तब्दीली हो तो उसका अल्लाह का इशारा समझ के उसको अपना लीजिए। अल्लाह हाफिज़।